नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली के टॉप 5 समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के कई पदों पर की आवेदन की मांग। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के कुल मिलाकर 241 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास या पूर्व सैनिक आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 फरवरी 2021 तक RBI के आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्र खुलने के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कही बात। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। इस दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कई इंतजाम किए हैं। समिति ने प्रश्न पत्रों के लीक होने से रोकने के लिए केंद्राधीक्षक को निर्देश दे दिया है। मैट्रिक परीक्षा में दोनों पालियों में एक ही विषय की परीक्षा होती है, इसलिए पहली पाली में और दूसरी पाली में प्रश्न पत्र को अलग अलग समय में निकाला जाएगा। पहली पाली का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से और दूसरी पाली का प्रश्न पत्र सुबह 11 बजे से पहले निकाल लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र खुलने के दौरान केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दोनों पालियों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र अलग अलग सील्ड पैकेट्स से अलग अलग समय में निकाले जाएंगे। बैंक से इन्हें निकालते वक्त और परीक्षा केंद्र पर खोलते समय दंडाधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। पटना की वेदिका को लंदन के अंतर्राष्ट्रीय क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन में मिला सम्मान। राजधानी पटना की रहने वाली 15 साल की वेदिका ने अंतर्राष्ट्रीय क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेकर बिहार का नाम रोशन किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वेदिका ने इस बार 58 देशों के छात्र के बीच कांस्य पदक जीता है। इसके लिए वेदिका ने लंदन की अंतर्राष्ट्रीय क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कॉम्पिटिशन में ऑनलाइन आवेदन किया था, जहाँ उसे यह मुकाम हासिल हुआ है। कुल 58 देशों की 13,000 से अधिक में से वेदिका का निबंध इस सम्मान के लिए चुना गया है। क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन विश्व की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय लेखन प्रतियोगिता है। वेदिका वर्तमान में स्कॉलर्स अवार्ड की छात्रा है। बिहार और इंटर परीक्षा के लिए 27 से ही जिलों में कैंप लगाने की शुरू हुई तैयारी। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संचालन के लिए अब नोडल पदाधिकारी ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत नोडल पदाधिकारी 27 जनवरी से ही अपने प्रभार के जिलों में कैंप करने का फैसला ले चुके हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुशील कुमार ने शुक्रवार को यह नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें, पहले 31 दिसंबर को नोडल पदाधिकारी की सूची जारी करते हुए नोडल पदाधिकारियों को 30 जनवरी से कैंप करने को कहा गया था। निदेशक प्रशासन ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि सभी नामित नोडल पदाधिकारी अपने आवंटित जिले में 27 जनवरी को अनिवार्य रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होनी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में निकलेंगी 10 झांकियां। गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में सफल और सुचारू आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम एसपी डीडीसी सहित उच्चाधिकारियों की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर भ्रमण करना और तैयारी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल मिलाकर 10 झांकियां निकाली जाएंगी, जिसके तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सहस्मृति स्तूप, पर्यटन निदेशालय द्वारा वैशाली कोल्हुआ से जुड़े मुख्य पर्यटन स्थल बाबू टावर बिहार, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, ऑनलाइन शिक्षा, वक्त की जरूरत, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सशक्त महिला, इको टूरिज्म, हर खेत को पानी और आत्मनिर्भर बिहार की झांकियां निकाली जाएंगी। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा हुई सख्त। लंबे अंतराल के बाद खुले विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके साथ ही अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि इस दौरान मंदिर की सुरक्षा में किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जाने का भी आश्वासन दिया गया है, जिसके तहत अब मंदिर परिसर में 10 वॉच टावर्स पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। इसको लेकर मंदिर परिसर में मौजूद सीसीटीवी कैमरों का भी मुआयना किया गया है। बिहार में अब रोजाना 200 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। कोरोना के मामलों की घट रही रफ्तार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता से काम कर रही है, जिसके बाद अब जिले के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 के बदले 200 लोगों को एक दिन में कोरोना की वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में 2 सेशन में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर सेशन में 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह नियम सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। 26 जनवरी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी।
IGIMS में शुक्रवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास समेत 162 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। पटना एयरपोर्ट पर टला हादसा। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया है। मिली जानकारी के अनुसार बैंगलोर से पटना आ रही विस्तारा एयरलाइंस की विमान संख्या UK 717 पक्षी से टकरा गई थी, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ के साथ काम किया और विमान को सुरक्षित लैंडिंग भी करवाई। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी भी दी गई। हालांकि विमान में सवार सारे पैसेंजर सुरक्षित निकाले गए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि पक्षी के टकराने के बाद फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई, इस वजह से वापसी की फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया। बिहार में अगले महीने तक होगा रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन। बिहारवासियों को बिजली की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर अगले महीने तक रिकॉर्ड बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत राज्य में अगले महीने से 910 मेगावाट बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने वाला है। इसमें से NTPC के नवी नगर स्टेज एक की दूसरी यूनिट में 660 मेगावाट और बरौनी में यूनिट 9 से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन शामिल है। इन यूनिटों से बिहार को रियायती दर पर बिजली मिलेगी। इसके साथ ही मार्च 2021 में सुपौल में सौर ऊर्जा से 500 किलोवाट उत्पादन शुरू होगा। इन सभी यूनिट में तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। सूत्रों की माने तो नवीन नगर में NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड परियोजना है। आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा डिब्बा बंद खाना। राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अप्रैल महीने में बच्चों को डिब्बा बंद पोषाहार दिए जाने की तैयारी हो रही है। वर्तमान समय तक इन छात्रों को गर्म पका खाना दिया जाता था, लेकिन अब इन छात्रों को और ज्यादा हेल्दी और स्वच्छ खाना मिले, इसको लेकर विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया जाएगा और 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अलग वित्तीय वर्ष से छात्रों को डिब्बे में बंद खाना मिलने वाला है, जिसके बाद अब छात्रों को मेन्यू के मुताबिक और बेहतर खाना दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो इस संबंध में वैसे राज्यों का फीडबैक तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। राजधानी पटना के 16 PDS दुकानों में पकड़ी गई गड़बड़ी। राजधानी पटना सदर, दानापुर, बाढ़ और पालीगंज अनुमंडल में 16 जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर भारी अनियमितता पकड़ी गई है। DM के निर्देश पर पिछले एक पखवारे में कुल 312 दुकानों की औचक जांच कराई गई है। इनमें 16 दुकानों पर अनियमितता पकड़ी गई है। ज्यादातर दुकानदार निर्धारित दर से अधिक मूल्य ले रहे थे, जबकि कई जगहों पर गरीबों को कम चावल और अनाज दिया जा रहा था। इस मामले में पटना सदर अनुमंडल में एक दुकानदार पर FIR दर्ज किया गया है। बाकी दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यह कार्रवाई DM के निर्देश के बाद किया गया है। रोजगार प्रदान करने की तैयारियों में जुटी सरकार। कोरोना के माहौल में उद्योग धंधे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके बाद अब जाकर धीरे धीरे सभी उद्योग धंधों को पहले की तरह काम करने के लिए लगाया जा रहा है। हालांकि उसके सही तरीके से लागू नहीं होने के कारण बिहार में नए उद्योग लगाने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि बिहार में पिछले 12 साल में सिंगल विंडो सिस्टम लागू नहीं हो पाया है, जिस वजह से उद्यमियों को काफी समस्या होती है। इस पर उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विभाग कार्य कर रही है। अधिकारियों के साथ नियमों में संशोधन करने के लिए कई बैठक किए जा रहे हैं। अब दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखेंगे स्मार्ट पुलिसकर्मी। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए स्मार्ट पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। पिछले साल दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। यहां सुरक्षा में बिहार सैन्य पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। एयरपोर्ट पर तैनाती के लिए तेज तर्रार पुलिसकर्मी की तलाश है, बल्कि वैसे जवान ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा बिहार पुलिस के जिम्मे होगी। यहां सैन्य पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। BMP बटालियन के कमांडेंट को इसके लिए पत्र लिखा गया है। एयरपोर्ट पर तैनाती के लिए इच्छुक जवान आवेदन दे सकते हैं। हालांकि ऐसे वैसे जवानों की तैनाती एयरपोर्ट की सुरक्षा में नहीं की जाएगी। फिट होने के साथ ही कुछ अन्य शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 149 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,766 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 60 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बांका, बेगूसराय, भागलपुर में 8 मामले सामने आए हैं। बिहार में 2 IAS अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। बिहार के 2 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, जिसके बाद अब वो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को अगले आदेश तक अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बिहार सरकार ने बिहार
प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को नए जगह पर पदस्थापित किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक सुशील कुमार को भू अर्जन विभाग में निदेशक सह अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत के कोलकाता शहर में 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। संविधान सभा ने 1950 में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति आज ही के दिन चुना था। जनगणमन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। प्रेम माथुर 1951 में भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट आज ही के दिन बनी थी। भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपने कक्ष में 2002 में आज ही के दिन स्थापित हुआ था। महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का 1877 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1924 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक निर्माता निर्देशक सुभाष घई का 1943 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। लालू प्रसाद यादव को एम्स ले जाने की शुरू हुई तैयारी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रांची के रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। 8 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली के एम्स भेजने की सलाह दी है, जिसके तहत अब बेहतर उपचार के लिए रिम्स से दिल्ली के एम्स उन्हें भेजा जा रहा है। इस प्रस्ताव को जेल अधीक्षक को भेज दिया गया था। अब जेल प्रबंध इस पर आगे का निर्णय ले चुकी है। आपको बता दें कि रिम्स डायरेक्टर की तरफ से 8 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया था। ये टीम लालू की स्थिति के आधार पर उन्हें बाहर भेजने का निर्णय। शिवहर के अति प्राचीन बरगद के वृक्ष में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पुरनहिया प्रखंड के एक गांव में स्थित एवं अनुमानतः 2 एकड़ में फैला अति प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष के लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़ें हैं, जो हाथी घोड़े जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लोगों के लिए खास बच्चों के लिए कौतूहलपूर्ण दृश्य एवं क्रीड़ा स्थल है। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहां एक मेले जैसा दृश्य होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मूल तना के जड़ की खोह में नागदेवी एवं नागदेवता का निवास है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास 13 दिवसीय दौरे पर आएंगे बिहार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत अब वो बिहार दौरे पर जल्द ही आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार भगचरण दास 13 दिवसीय दौरे पर 25 जनवरी को पटना आने वाले हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष HK वर्मा ने बताया है कि भगचरण दास 26 जनवरी को सदाकत आश्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले झंडोत्तोलन समारोह में शामिल होंगे और उसी दिन सदाकत आश्रम से किसान तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसके बाद वो 27 जनवरी को वैशाली में और 28 को मोतिहारी में, वहीं 29 जनवरी को वो श्रीदस वृंदावन स्थित गांधी स्मृति स्थल में नजर आने वाले हैं। संविदा कर्मियों को लेकर बिहार में राजनीति हुई शुरू। संविदा कर्मियों को लेकर बिहार में अब अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से संविदा कर्मियों को कभी भी हटाए जाने के फरमान के बाद राजद नेता ने निशाना साधा है, जिसके तहत राजद नेता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि चुनाव के समय NDA के नेता 19 लाख रोजगार देने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, बल्कि अब तो उल्टा रोजगार लेने का काम कर रहे हैं। वहीं राजद के इस बयान पर जदयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत जदयू नेता गुलाम गौस ने कहा है कि रोजगार को लेकर विपक्ष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें हाल ही में बिहार सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार संविदा पर बहाल कर्मी को सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी। बिहार में अब 2 दिन बाद ही ठंड से मिलेगी राहत। बिहार में घने कोहरे की स्थिति शनिवार को भी देखने को मिली, जिसके कारण आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी ठंड से लोगों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे भी ठंड की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। दिन के तापमान में आंशिक सुधार हो सकता है, रात के तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। अब भी सूबे के लगभग सभी शहरों का अधिकतम पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे बना हुआ है। इस वजह से दिन में भी ठंड की स्थिति रही। बिहार में सबसे कम पारा 5.6 डिग्री गया में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहा, हवा की गति भी शांत बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय इलाके में सक्रिय हुआ है, इस वजह से अभी तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। IGIMS में अब पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा टीका। बिहार समेत पूरे देश में टीकाकरण अभियान देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच पटना के IGIMS में पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार अब रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तय तारीख की बाध्यता खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अब वो पहले आएंगे उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन को लेकर पहले से उत्साह है और कोरोना को खत्म करने के लिए सब एकजुट है।
अब जेईई के छात्र 13 साल पुराने प्रश्न पत्र का ले सकेंगे जायजा। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। जेईई एडवांस आयोजन समिति ने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, जहां पिछले 13 साल के प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। 3 जुलाई को जेईई एडवांस की परीक्षा होना बाकी है। इस बार परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर कर रहा है। जेईई एडवांस आयोजन समिति ने परीक्षार्थियों के लिए सिलेबस के साथ 2007 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्र को ऑनलाइन जारी कर दिया है। जेईई के वेबसाइट पर अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। जल्द ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और कोरोना से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। पिछले 13 साल के प्रश्न पत्र में पेपर 1 और 2 दोनों को अपलोड कर दिया गया है। 2019 और 2020 के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वेबसाइट पर उपलब्ध है। जेईई एडवांस की परीक्षा के सेंटर विदेशों में भी बनाए जा सकते हैं। अगले महीने से आईआरसीटीसी फिर से कर सकती है ई केटरिंग सर्विस की शुरुआत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अगले महीने से अपनी ई केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने की योजना पर काम कर रही है, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। आईआरसीटीसी ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण 22 मार्च 2020 को ई केटरिंग सर्विस को स्थगित कर दिया गया था। सिराज ने तय किया फर्श से अर्श तक का सफर। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया से आते ही BMW कार खरीद ली है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने वाले सिराज ने टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। 3 टेस्ट मैच में सिराज ने कुल 13 विकेट अपने नाम किए। 26 साल के इस युवा गेंदबाज ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। सिराज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा चुनौतियों से भरा जरूर रहा, लेकिन उसने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पिता को खोया, गालियां खाई, मगर डटा रहा। सिराज के लिए वाकई अब तक का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मोहम्मद साजिद, रविंद्र पासवान, राजू कुमार राजा, राजकमल मिश्रा, श्वेता रॉय, प्रदीप, पवन बाबू, गौतम कुमार, सिकेन कुमार पासवान, सीता पासवान, पवार कुमार, केसरी, सुनील महतो, गोपालगंज, रितेश कुमार, चंदन कुमार, पवन मुखिया, सुधीर यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार टीका आने के बाद क्या आप अभी भी कोरोना को लेकर जारी किए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।